एक्सप्रेस न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम सवाल तो बनता है का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में चुनावी माहौल है और चुनावी सरगर्मियां जोरों पे हैं। बिल्कुल आप समझ गए कि पूरे देश और मीडिया की निगाहें बिहार पे लगी हुई हैं। और जैसा कि आप दर्शक सब जानते हैं कि हमारे राजनेता और राजनीति जो है वो दावे और वादे करने में बहुत महारत हासिल है उसको, और वो लोग अब अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, वोटर्स को लुभाने की बात कर रहे हैं। कोई 10 लाख नौकरी देता है तो कोई 19 लाख देता है, कोई पूछता है नौकरी के लिए पैसा आएगा तो फिर 19 लाख की घोषणा कर दी जाती है। सब लोगों का मकसद, सब लोगों का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से बिहार की जनता को अपनी तरफ किया जाए। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, तो बिल्कुल जनता से आपको वादे और दावे करने की हकीकत पे ही आना होगा। अगर आप ऐसे दावे करेंगे, ऐसे वादे करेंगे जिनको आप पूरा ना कर पाए, तो फिर आपको चुनाव के बाद भी जनता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यह है आज के दिन कि आप अपने घोषणा पत्र जो जारी करते हैं वो ऐसे घोषणा पत्र जारी करिए कि जनता भी हकीकत समझे, क्योंकि अगर हवा हवाई बात करेंगे तो एक कहीं ना कहीं आपकी साख जाती है। अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, आरजेडी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, 10 लाख नौकरी देने का एकदम वादा किया, कारखाने लगाने का वादा किया, और उसके बाद बीजेपी का अभी अभी मैं आपको लूंगा, उसके बाद अभी आज संकल्प पत्र जारी हुआ बीजेपी का। अब बीजेपी तो मास्टर पार्टी है, वो तो बिल्कुल जानती है, और बीजेपी की घोषणाओं में बीजेपी का मुकाबला कौन कर सकता है? उनके पास पूरा एक सिस्टम है, वो बिल्कुल चीज़ों को सिस्टम से करना जानते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, तो उनके पास तो एक पूरा मैकेनिज्म है। आज उन्होंने नहले पे दहला मार दिया और उन्होंने कहा कि आप 10 लाख नौकरी दे रहे थे, हम 19 लाख नौकरी देंगे। और उससे भी बड़ी चीज़ उन्होंने कोरोना वैक्सीन, जो भी जिसका जन्म भी नहीं हुआ, जो अभी ज़मीन पर आई ही नहीं, उसको भी उन्होंने बिहारियों को देने का वादा कर दिया कि बिहार के लोगों को हम कोरोना वैक्सीन देंगे। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी सबको कोरोना वैक्सीन देने की है, इसी पर विवाद शुरू भी हो गया है, इस पर विवाद हो गया है, इस पर विपक्षी पार्टियों ने बिल्कुल एक तरह से कड़ी प्रतिक्रिया दी है। और विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि बिहार जो विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि बिहार जो है वो देश के अन्य लोगों पर कोरोना वैक्सीन अगर आएगी तो क्या देश के अन्य लोगों को नहीं मिलेगी? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मेरे साथ बिहार से दो बड़े नेता जुड़े हैं, अपने एक चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं और एक आरजेडी के नेता हैं, और लगता है कि वो अभी सुनने में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, बोलना चाहते हैं। तो सीधे हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरे साथ बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सुजाता पॉल जी हैं जिनको आप रोज़ देखते रहते हैं, मेरे साथ राजस्थान से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं, उन सबका आप सबका डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। जी आप बताइए, घोषणा पत्र जारी हो गया और आप लोगों को क्या आपत्ति है? आरजेडी वालों से मैं पूछ रहा हूं, त्रिभुवन कुमार जी आपको क्या आपत्ति है जो आज घोषणा पत्र जारी हुआ है बीजेपी का? बीजेपी का झूठा घोषणा पत्र है। बीजेपी कहा था कि बिहार में हम 1.25 लाख करोड़ देंगे। यहाँ मोदी जी आए थे, मंच पर बोले थे कि 10 हजार 20 हजार 1 करोड़ 1.25 लाख करोड़ आधी 1.25 रुपया भी नहीं बिहार पहले नंबर। और भारत में सबसे झूठा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो है भारत जलाओ पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है, भारत जलाओ पार्टी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद आज तक बीजेपी कुछ न किया है, जमीन पर न कम। झूठ बोलने का सबसे यदि भारत में ठिका लिया है तब वो बीजेपी पार्टी है। चलिए मैं आपको अभी ओपनिंग कमेंट से अभी मैं हमारे साथ एक विधानसभा प्रत्याशी हैं अमरजीत जी, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। अमरजीत जी आपको क्या आज का जो बीजेपी का घोषणा पत्र है, आपको उसमें क्या कमी नजर आ रही है? क्यों बिहार में आपने हल्ला बोल दिया है? सर बिहार में बीजेपी का कोई सपोर्ट नहीं है सर, बीजेपी हर स्टेप में गलत एक्शन हो रही है सर। बिहार के मुद्दा में बीजेपी का इसमें कुछ भूमिका ही नहीं है, चाहे नीतीश जी हो चाहे हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हो, उसमें कोई योगदान नहीं रहा उसका, वो सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड की बात हो रही है। न कांग्रेस की बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों जो इंटरनेशनल पार्टी है इसमें कोई अस्तित्व नहीं है इसका। बिहार में लोग हर जगह से बिहारी बिहारी शब्द
हर जगह से उत्पन्न हो रही है। दिल्ली जाइए, कलकत्ता जाइए, फॉरेन कंट्री जाइए, हर जगह बिहारी को नाम पर लूटा जा रहा है। बिहार शब्द के नाम पर सुनते ही नौकरी नहीं मिल पाती है, बेरोजगारी हो रही है सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अमरजीत जी, आपको आपके विचार आ गए और अब हम आपके सवालों के जवाब, कुछ सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। इतना आसान नहीं है जितना आपने सीधे गूगली फेंक दिया है, इतना आसान नहीं है, बात करेंगे आपसे। पंकज जोशी जी, जी सर, पंकज जोशी जी, क्या आपको लगता है कि आज का जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें कहीं बीजेपी से थोड़ी सी चूक हो गई कोरोना वैक्सीन वाले मामले को लेकर? नहीं, देखिए कोई चूक नहीं हुई है भारतीय जनता पार्टी का, ये बिहार का घोषणा पत्र है। और अभी जो हमारे जो केंद्रीय नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में वहां पर हैं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता है, वो जो बात कर रहे हैं वो भारत के नेता के रूप में वहां बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यदि वहां आएगी तो वहां पर जो है फ्री वैक्सीन का जो टीका है वितरित करेगी। उससे पहले यदि आप केंद्र सरकार की बात करें तो सरकार ने कहा कि हमने 30 करोड़ जो है टीके की जो है हमने डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की है पूरे देश में। तो ये कहीं चीज नहीं है कि वहां से डिस्ट्रीब्यूशन केवल बिहार को, लेकिन बिहार सरकार यदि वहां पर आती है, जो एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी खर्चा होगा, वो बिहार की सरकार जो है वहां पर वहन करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो नीत सरकार है वो वहन करेगी, कहीं और की तरह नहीं है कि हम जो है बाद में इन चीजों को जो है कहीं कहे कि हम तो इनकी वैक्सीन के चार्जेस ले लेंगे। जैसे आपने अदर स्टेट में देखा कि जांच पहले 4500 रुपए में हुई, फिर 2400 में हुई, फिर 2200 में हुई, फिर 1200 तक आ गए। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं होगी। पहले ही कहा गया है कि वैक्सीन का टीका आते ही जो बिहार में मिलेगा वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रत्येक जो है व्यक्ति को लगाया जाएगा। बिल्कुल, अभी ओपनिंग कमेंट है। पंकज जोशी जी, आपके पास आऊंगा, आज आपको कुछ ज़्यादा सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सुजाता जी, आप लोगों ने भी 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया आपके गठबंधन ने, तो बीजेपी ने नहले पे दहला मार दिया, उन्होंने 19 लाख दे दिया, तो इसमें आपत्ति क्या है? और कोरोना वैक्सीन बिहार भी भारत का हिस्सा है, वो बिहारियों को पहले देना चाहते हैं, तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? जी, हमें किसी भी बात पे आपत्ति नहीं है, अगर किसी को भी ये वैक्सीन देते हैं, मगर ये झूठ है, जुमला है, इसको भी टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप जैसे लैब में टेस्टिंग होती है ना, इसलिए वोट अगर इनको आपने जिता दिया तो पता चल जाएगा उसके बाद कि ये सच है या झूठ, मगर ये रिस्क कौन लेगा? आपको याद है ना पिछली बार के जुमले, तो ये भी एक जुमला ही है। आप मेरे को इनसे ही मैं जानना चाहूंगी कि जो इन्होंने कहा है अब इन्हें मतलब ये बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, ये खुद ही कह रहे हैं कि ये सच्चाई है, कि मतलब पहले पैसों से लोगों को खरीदा जाता था, उनके वोटों को खरीदा जाता था, अब जो है अब वैक्सीन का झांसा देकर वोटों को खरीदने की तैयारी करी जा रही है। और अगर फ्री वैक्सीन मतलब अगर वोट दोगे तो फ्री वैक्सीन पाओगे, वोट दो और फ्री वैक्सीन ले लो। अब वैक्सीन की बात जहां तक है तो पूरे देश में सभी को मिलनी चाहिए, और फ्री केवल इनके यहां क्यों मिलनी चाहिए, यहां क्यों मिलनी चाहिए, वो भी इसलिए क्योंकि ये सरकार में आ जाते हैं। भाई केंद्र में सरकार इनकी है, व्यवस्थाएं जो है इन्होंने गड़बड़ करी है, और जिस प्रकार से अब ये वोटों को खरीदने की बात कर रहे हैं तो ये बड़ा दुखद विषय है। महामारी का समय अगर आप देखेंगे तो 1916-18 में जब महामारी आई थी तब अंग्रेजों ने भी ऐसे ही तानाशाह का रूप अपनाया था, वो किया था जो कर सकते थे वो, और यही आज तक हो रहा था, लेकिन अब बीच में आ गए चुनाव। तो अब हमारे को भी ये जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की इस जुमले को सुनने के लिए जहां जहां हम चुनाव करवा सकते हैं वहां वहां करवा ले। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लोग इनका विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि बिहार में इन्होंने क्या किया है। जिस नीतीश कुमार को इतने अभद्र शब्द कहे थे, जिस नीतीश कुमार को इन्होंने कहा था कि वे सत्ता संभालने के लायक नहीं है, जब चुनाव हो गए तो उनके साथ किस प्रकार से हाथ मिला लिया इन्होंने। और उसी तरह से नीतीश कुमार जी इनको बड़का झुटलर पार्टी बता रहे थे, और अब क्या हुआ आप मुझे बताइए। अरे आप इतना समझ लीजिए कि ये वो धरती है जहां से महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत करी थी, जहां के राजकुमार शुक्ला चंपारण से चल के गए थे, गांधी को वहां लेकर गए थे। तो आप समझ लीजिए कि जनता जो है वो बहुत जागरूक है। एक बार आपने बेवकूफ बना लिया लेकिन बार बार नहीं बना सकते, ये अवश्य है कि आपका झूठ सामने आ गया और आपके झूठ का पर्दाफाश हो गया और आपकी सच्चाई लोगों के सामने आई है। अब आपको मुंह की खानी पड़ेगी,
देखते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, पंकज जोशी जी, जी सीधे सीधे सुजाता जी कह रही हैं कि आप वोट के बदले वैक्सीन देना चाहते हैं, तो क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या इस पर चुनाव आयोग को कार्यवाही नहीं करनी चाहिए? देखिए मैं बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि भाई बॉम्बे तो जो है देश की इकोनॉमी सिटी है, पूरे देश की इकोनॉमी सिटी है कि नहीं है? बॉम्बे तो पूरा जो है इकोनॉमी सिटी माना जाता है। वहां आपने जो है कोरोना के अंदर जांच में कितने लिए भाई, वहां फ्री क्यों नहीं कर दिया आपने? वहां पर जो हॉस्पिटल्स थे उनकी जांचों के रेट क्यों बढ़ाए आपने? वहां फ्री क्यों नहीं कर दिया आपने? वहां स्थिति कितनी खराब भाई, भयानक भाई, वहां पर क्यों नहीं आपने नियंत्रण कर पाए बताइए ना। और एक मिनट आ रहा हूं। अभी महात्मा गांधी जी के आंदोलन की आपने बात करी, लेकिन वो तो चलो स्वतंत्रता का आंदोलन था, सब लोग थे, लेकिन आपने तो इस लोकतंत्र में जेपी का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था, ये याद रखिए, इसको भूलिए मत, बात ज्यादा पुराना नहीं है ये। और ये तो बड़े आराम से आज की जो जनता है तो देखा है कि किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा गया था और जहां जेपी का आंदोलन हुआ था। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप इतना बड़ा वो मत करिए कि कहां से क्या हुआ था, कहां से थे, और उसी आंदोलन से निकले हुए लोग जो है आज जो है। अब दूसरी आई, आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे, अब नीतीश कुमार जी ने आपके साथ जो है गठबंधन बना करके और सत्ता संभाली थी और आपसे मिलने दिल्ली तक गए थे और केंद्रीय आलाकमान के दरवाजे पटबंद हो गए, वहां पर गठबंधन की बात तक नहीं सुनी गई और लगातार हार हार के वो जो है अपनी जूतियां घिसते रहे और आज आपने कहा कि वापस गठबंधन में आ जाइए है? किस चीज के लिए? क्या बिहार इतना बुरा लगता था आपको जब आपने वहां के मुख्यमंत्री जा रहे थे कि भाई गठबंधन में कुछ चीजें ऐसी चल रही है तो उसको तो संभाल लेते, आप दोबारा क्या उसी चीज की वापस पुनरावृत्ति करना चाहते हैं क्या? लेकिन ये बताइए ना, तो सवाल मेरा ये है कि वैक्सीन जो अभी बनी नहीं है, जिसको अभी हम लोग टेस्टिंग पे ही हैं, अब तक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उस पर नहीं बता पाई है, उस वैक्सीन को हम चुनावी मुद्दा क्यों बनाना चाहते हैं? हमारे पास बहुत सारी चीजें, आप 19 लाख नौकरियां दे रहे हैं, बिल्कुल ये बता दीजिए लोगों को, आपके पास बहुत सारी चीजें, आप विकास आपका एजेंडा हुआ करता है उसको बता दीजिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है पर्सनली कि वैक्सीन का भी हमें राजनीतिकरण करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए इसलिए राजनीतिकरण इसलिए जरूरत पड़ गई भाई, आप देखिए कि कुछ सरकारों ने जो रेटे फिक्स करी शुरू शुरू के अंदर, उन रेटों को आप देखिए, जब कोरोना महामारी थी तो विश्व की महामारी थी, और आप देखिए इसकी रेट जो है शुरू शुरू में जो है बॉम्बे के अंदर इसकी रेट जो है 16,000 रुपए वसूली गई जांच की दर, आप देखिए उस टाइम के पेपर आप देखेंगे तो 16,000, कहीं 20,000, और फिर जो है आप देखिए धीरे धीरे करके जो है रेटें जो है इसकी जब नीचे आई, सरकार ने कहा कि इन चीजों के लिए जो वैक्सीन बनेगी उन चीजों के लिए, क्योंकि आज जो है बिहार में जो गरीब लोग हैं, जो लोग रहते हैं वहां पर, जो वैक्सीन है वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट जो है ये वादा करती है वहां पर, कि जिस तरीके से नीतीश जी की सरकार चलती आ रही है, जिस तरीके से नीतीश जी ने सरकार को चलाया है, जो है एनडीए की सरकार पिछले 10 साल विकास चल रहा है, तो जीडीपी 3% थी, भारत में उसका योगदान 3% था, वो 11% तक आया, तो मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए जो वैक्सीन का जो है आज यदि घोषणा करते हैं कि वैक्सीन फ्री मिलेगी तो आदमी कम से कम इस चीज की चिंता से मुक्त रहेगा कि हाँ हम लोगों का जो है आते ही जो वैक्सीन आएगी हमें कम से कम वो फ्री मिलेगी, आज हमें कोई इसकी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बहुत बड़ी चीज बात की वैक्सीन की है कि एक आयुष्मान योजना जो है केंद्र सरकार की योजना है आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख तक का जो है इलाज फ्री है। आप मुझे बताइए कांग्रेस की जहां जहां सरकारें हैं क्या उसको लागू कर पाई है क्या? क्यों नहीं लागू कर रही है उनको? बिल्कुल, क्यों नहीं गरीब को जनता एक चीज समझने का एक मुद्दा मुझे लगता है, आपकी बात रुक रही है हालांकि मैं रोका नहीं करता हूं, एक समझने का मुद्दा है, केंद्र जो सरकार है वो देश की सरकार है, वो सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं है, ये हमें समझना होगा। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन पे पूरे देशवासियों का हक है, हर प्रदेश का हक है, वो सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं कह सकते आप, वो देश की सरकार है, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त मंत्री देश की वित्त मंत्री होती हैं, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन आज घोषणा पत्र जो है उन्होंने देश का नहीं किया, आज घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने बिहार का, और बिहार के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के रूप में किया, उन्होंने अपने पद के रूप में नहीं किया इसकी घोषणा।
आपकी अपने पद के रूप में घोषणा करती तो निश्चित रूप से चीज गलत होती। और इससे पहले उन्होंने अपने पद के रूप में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 30 करोड़ वैक्सीन की व्यवस्था वितरण उपलब्ध कराने से लेकर के वितरण तक की व्यवस्था की जल्दी से जल्दी लोगों के पास पहुंच सके पूरे देश में, वो व्यवस्था उन्होंने करने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं, चुनाव से पहले भी करी है और अभी जो है कल ही जो है उन्होंने बात की, तो इस बात को अपने भाषण में उन्होंने कहा है। मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं इसको बिल्कुल आप डिफेंस नहीं है, ये एक नीति के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल त्रिभुवन जी, आप वहां जमीन पर आप काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है बहुत आश्वस्त है कि हम लोग नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक रहे हैं, नीतीश कुमार जा रहे हैं, आपकी पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही है तेजस्वी को लेकर, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपको इन्होंने सिर्फ एक वैक्सीन दी है और आपने उस पर पूरी तरह से हल्ला मचा दिया है, आखिर वैक्सीन ही तो दे रहे हैं वो बिहार वालों को, आपको इसमें क्या आपत्ति नजर आ रही है? आपत्ति आ रही है ये वैक्सीन नहीं, बीजेपी का ऐसी है। अब रहा सवाल यहाँ नीतीश कुमार जी की दशा बिहार में है, जो कि उनका विधायक को क्षेत्र जाता है, हम पब्लिक उनका विरोध कर कर चप्पल जूता से भी बिहार में अभिदा महागठबंधन 200 सीट पर जीत रहा है, 200 पार है, अभी ये का ही दुर्दशा है, क्षेत्र में खड़ा होने के लिए नहीं दे रहा है। मुद्दा ये नहीं है, आप 200 नहीं चाहे 243 सीटें जीत जाएं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि जिन नीतीश कुमार को आप गाली दे रहे थे पिछली बार, वही आपके मुखिया थे पिछली बार, उनके नेतृत्व में आप चुनाव लड़े थे, तो क्या इन 4-5 सालों में नीतीश इतने खराब हो गए हैं? नहीं, हम विश्वास किए थे, हमारा तेजस्वी जी बाबू लालू प्रसाद जी उन पर विश्वास किए, हम बड़े दल होकर भी उनको सम्मान किए, बड़े दल होकर भी सम्मान किए, अभी हमारे बाबू लालू प्रसाद यादव जी नहीं जानते कि रात भर में वो सवेरे शपथ ग्रहण भी दिले, इसी की विश्वास के साथ उन पर जनता का विश्वास उठ गया, जनता पर विश्वास उनका नहीं है। आज नतीजा ये है कि नीतीश कुमार जी को क्षेत्र में जनता मने की ताकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसका नतीजा पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं, महागठबंधन 200 से ऊपर सीट जीतेगा, बीजेपी और जदयू का जमानत जब्त होगा, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं, जनता का मन। चलिए वो त्रिभुवन जी वो तो आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, आप हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी सीटें जीते कितनी नहीं जीते वो जनता तय करेगी कि कितनी सीटें जीता। 200 जीतेंगे, 200 से कम नहीं होगा, फिर 10 तारीख को जदयू और बीजेपी वाले को पता लगेगा कि 200 सीट जीत रहे हैं कि हाँ, जुमलाबाजी बीजेपी आज वैक्सीन भेज रहे हैं, वही मंगल चलिए तो बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री है, ये गलत बात है। त्रिभुवन जी आपको वैक्सीन लेने में क्या आपत्ति है? मंगल पांडे जी आज तक तो हॉस्पिटल में गए हैं, उनको इतना बीमारी से डर रहा था, जनता मर रहा था, वो हॉस्पिटल भी नहीं गए हैं देखने के लिए। त्रिभुवन जी मैं ये कह रहा हूँ आपको वैक्सीन लेने में क्या आपत्ति है? अगर बीजेपी आपको वैक्सीन दे रही है तो वैक्सीन लेने में आपको क्या आपत्ति है? वैक्सीन दीजिएगा सर, मैं प्रतीक्षा कीजिएगा, पिछला खेत जैसे 1,25,00,000 करोड़ दीजिए तब सब जनता 1,25,00,000 करोड़ पा गया, अब वैक्सीन भी पा जाएगा। ये वोट लेने का टैक्सी से है, मोदी जी झूठा पार्टी है, झूठ बोलने का उनको सब ज्ञान है उनके पास। अच्छा त्रिभुवन जी, 10,00,000 नौकरियों का वादा आपने किया है, 10,00,000 नौकरियों का वादा दीजिएगा। 10,00,000 जरूर देंगे, 10,00,000 बिना कैबिनेट में दस्तखत होगा, आप देख लीजिएगा, हमारा पहला कैबिनेट होगा। बेरोजगार आज इतना भारत में हो गया, जो नीतीश कुमार शराबबंदी किए और घर घर वही उन्हीं बेरोजगारी के मारा लाते, दारू शराब सब बिक रहा है, बलात्कार हो रहा है, जो हो रहा बहुत है, अच्छी बात है, रहे थे। पूरा देश चाहता है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो, बिहार के लोग भी मेन स्ट्रीम में जुड़े, उनका उतना ही विकास हो, जी जी, देश के संसाधनों पर जरूर देंगे, 10,00,000 जरूर बेरोजगारी दूर होगा, ये चुनाव के बाद का कर्ज माफ होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कर्ज माफ होगा, सब कुछ होगा, बिहार का
करोड़ का जनता का भरोसा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी भरोसा के साथ सब जनता ए टू जेड टोटल जाति का को वोट एक एक वोट देने का कहेंगे ए टू जेड। हाँ हाँ बिल्कुल अमरजीत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर। हाँ हम कह रहे हैं आप इन्होंने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, आप अगर विधायक बनते हैं आपकी पार्टी पहली कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी? 15 सीट पर लड़ रही है सर बिहार में। कितनी सीटों पे? 15 सीट पर सर। अच्छा 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये 200 से ज्यादा जीत रहे हैं, आप कितनी जीत रहे हैं? 200 सर बीजेपी हो या कांग्रेस हो सर, नौकरी जो दे रही है 10 लाख ये तो बात सर वादा लोग तो सब करते हैं निभाते नहीं है। बेरोजगारी की बात बोले हैं तो बेरोजगारी दूर कभी नहीं होगी, चाहे 10 लाख भैंस कैंसी निकाल दे या रोजगार दे दे या कोई प्रॉब्लम दे दे, लेकिन बेरोजगारी दूर कभी जिंदगी में भी नहीं होगा। अच्छा तो आप पहला करेंगे, अगर आप विधायक बनते हैं अमरजीत जी आप क्या करेंगे जनता के लिए? जनता के लिए तो यही हम कहेंगे विकास का मुद्दा रखेंगे, कोशिश करेंगे बेरोजगारी तो दूर नहीं होगा लेकिन कोशिश करेंगे कि बेरोजगारी कुछ हद तक पार हो जाए। जितने भी जाए बीजेपी का नेता हो सर या कांग्रेस का नेता हो सभी वादे करते हैं जिसकी सरकार होता है आपके लिए, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। अच्छा सुजाता जी पंकज जी कह रहे हैं सीधे सीधे पंकज जी का कहना यह है कि निर्मला सीतारमण वहां पर बीजेपी नेता के तौर पर वहां संकल्प पत्र जारी कर रही थी और किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, वो कह रहे थे कि हम लोग बिहार को वैक्सीन देंगे चुनाव के बाद और जैसे वैक्सीन आएगी हम चुनाव में, मतलब अभी अपने घोषणा पत्र में उन्होंने एक बात ये भी कह दी, बाकी उन्होंने 10-11 वादे और किए हैं तो इसमें आप लोगों ने इस पर राहुल गांधी ने भी इस पर आपत्ति की है, आप लोगों को क्या परेशानी है? देखिए लोकतंत्र में हम रहते हैं और अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुकी है, इनके पास लोग नहीं है, इनके इनके पास सिर्फ एक नेता है, जो वो नेता कहता है वही ये सब करते हैं, उनकी चाटुकारिता और साइकोफेंसी उनके कदमों पे गिरे रहना यही ये करते हैं। तो ये जनता के साथ विश्वासघात है, जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया था अब जो है ये जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी न केवल विश्वासघात कर रही है परंतु आप देख लीजिए कि किस प्रकार से अगर वोटों के लिए वैक्सीन की बात करी जा रही है, वैक्सीन फॉर वोट, ये कौन से कहां से ये महामारी के टाइम पे एक पैंडेमिक के टाइम पे इस तरह की कोई बात कर सकता है? केंद्र सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की जरूर है मगर देश की सरकार है और अगर वो किसी एक राज्य को ये बात कह रही है, उनको ये लुभावन एक सपना दिखा रही है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है चुनाव आयोग को जागना चाहिए और उनको इसमें नोटिस इश्यू करके कार्यवाही करनी चाहिए क्योंकि आप जब चुनाव प्रचार का माध्यम बना लेते हैं वैक्सीन को तो इसमें आप लोगों को एक ऐसी चीज देने का वादा कर रहे हैं जिसका अधिकार जन सैलाब जो उभर रहा है, जितने तेजस्वी यादव जी के जो जनता पार्टी जो है घबरा गई है। मैं यहाँ पे अपने बिहार के भाइयों को अपनी बिहार की बहनों को याद कराना चाहूंगी कि वो जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने बताया था वो नहीं दिया, जुमलेबाज आ रहे क्योंकि ये जो है ये टर्बाइन से हवा में से ऑक्सीजन और पानी निकालने की बातें करके मस्खरापन करती है। तो जिस व्यक्ति इतने उच्च पद पे बैठा हो प्रचंड बहुमत मिलने के बाद और वो मस्खरापन करे तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो लोगों को बेवकूफ बनाता है, इसलिए अब बिहार की जनता को जागना होगा। वैक्सीन है हर व्यक्ति का, चाहे बिहार का व्यक्ति हो चाहे वो दक्षिणी किसी देश का व्यक्ति हो, देश की काम सबको कि सब तो बात इन्होंने बहुत सारी कही थी कि तकनीकीकरण शुरू किया है, इन्होंने इस बात को भी माना है। आप मुझे बताइए इन्होंने बात करी बॉम्बे राजस्थान की, बिहार की बात नहीं कर रहे, बिहार में जो कुछ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं वो लोग
भाव से जो मतलब वादे हैं वो कर रहे हैं और सरकार में बैठ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता यदि आपने हमें वोट नहीं दिया तो आपको वैक्सीन नहीं मिलेगा। भी देखिए ये वैक्सीन बिहार की जनता को तभी मिलेगा यदि आप इनको वोट देंगे। क्या ये शर्मनाक नहीं है? ये होते कौन है ऐसी बात कहने वाले? बिहार की मेरी बहनों को, बिहार के मेरे भाइयों को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, हर एक को अधिकार है वैक्सीन पाने का। उत्तराखंड में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, मुंबई में हो, अगर होती है महंगा होने का और फ्री में कर देने का तो ये भी काम है हमारी केंद्र सरकार का कि जो सब कुछ बेच बेच कर पैसा इकट्ठा कर रही है उस पैसे का ये क्या कर रही है ये बताए। क्यों नहीं देश के लोगों को फ्री में वैक्सीन मिल सकती जब सब कुछ इन्होंने बेच दिया और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, 150 टन से ज्यादा सोना बीपी रख दिया, एयर इंडिया भेज दिया। आप देख लीजिए BHEL BPL कुछ भी कोई भी चीज देख लीजिए, ये किसी चीज को नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि बिहार के भाइयों आपको तभी मिलेगा वैक्सीन अगर आप हमें वोट देंगे। तो इसकी मैं भर्त्सना करती हूँ और इनको मैं चेता रही हूँ कि सरकार तो इनकी नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी की बिहार में, मगर इस तरह के लोक लुभाव ने जो बातें ये कर रहे हैं तो याद रखिए कि बिहारियों का अधिकार है वैक्सीन पर और आप उससे ये अधिकार केवल एक वोट के लिए कहकर नहीं ले सकते। अगर आपको उन्होंने नहीं चुना, केंद्र में बैठे हुए हैं, वैक्सीन उन्हें देनी पड़ेगी, हारने के बाद भी आपको उन्हें देनी पड़ेगी। पंकज जोशी जी के पास मैं आऊंगा, उससे पहले वो बयान देख लेते हैं। आइए पंकज जी वो बयान देख लेते हैं जिसमें वित्त मंत्री जी कह रही हैं, क्योंकि विवाद वही हुआ है, एक्चुअल चीज समझने की कोशिश करते हैं कि उनका मंतव्य क्या था। अमरजीत जी, त्रिभुवन जी आइए वो बयान देखते हैं मैम का जिसमें वो वैक्सीन को लेके बात कर रही हैं। के साथ बोलना चाहती हूं कि भारत में क्योंकि बायोमेडिकल बायोफार्मा इंडस्ट्री अच्छा पिछले 20 साल से उनका कैपेसिटी बढ़ते आ रही है, कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं, ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के खगार पर आ गए हैं। उसके बाद वो वैक्सीन अगर साइंटिफिक लोग बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये अभी प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने का कैपेसिटी भी हमारा सरकार के प्रोत्साहन के वजह से रेडी बैठे हैं कि लार्ज प्रोडक्शन करने के लिए। सो जब साइंटिस्ट इसको क्लियर करते हैं, हमारे देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन उस लेवल पर होगा जिससे जो हम इधर प्रॉमिस कर रहे हैं बिहार में हर एक के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिल जाएगा, वो हमारे पहला संकल्प पत्र के प्रॉमिस है। भरोसा के साथ बिहार की जनता को हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि वैक्सीन फ्री में आप सबको मिलेगा। पंकज जोशी जी, मैडम जी, मैडम को सुना आपने तो वैक्सीन का वैक्सीन का वादा तो कर रही है, लेकिन सुजाता पॉल जी ने एक सवाल ये उठाया है कि आप जो चीज अभी मतलब ये जुमला ना बन के रह जाए, उनका कहना यह है चलिए हमने मान भी लिया, लेकिन सुजाता पॉल जी कह रही हैं कि जुमला ना बन के रह जाए क्योंकि बहुत सारे वादे, सुजाता पॉल जी आरोप लगा रही हैं बहुत सारे वादे हुए हैं और वो पूरे नहीं हुए, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वैक्सीन भी जुमला बन जाए। जी कि इनकी कोई गलती नहीं है इसमें, क्योंकि इनके जो नेता हैं वही ऐसे हैं कि देश में जब देश के अंदर पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक होती है तो उसके सबूत मांग लेते हैं, जब जो है कश्मीर पे होता है तो उसके सबूत मांग लेते हैं। तो आप पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान का चुनाव करा लीजिए, अगर बिहार का चुनाव तो बिहार के बारे में बात करिए ना, तो आप मांग सकते हैं बिहार के लोगों को, आप विकास की बात करते रहे हैं, विकास की बात करिए। तो रखिए 55 साल शासन किया है आपने, इतना सारा धैर्य नहीं है आप लोगों में सुनने की? आपकी
आपको बोलने नहीं देंगे इस तरह की बातें, आपको लोगों को विभाजित नहीं करने देंगे, आपको लोगों को गुमराह नहीं करने देंगे। याद रखिएगा, आपको हम रोकेंगे। आप कैसे करेंगे बताइए? आप वहां के लिए जो वादा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कह रहे कि राजस्थान के लोगों की? जोशी जी बिहार पे ही केंद्रित रहे हैं, जोशी जी बिहार पे केंद्रित रहे हैं। सुजाता जी प्लीज पूरा करने दें। पंकज जी कह रहा हूँ, देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जब केंद्रीय नेतृत्व ऐसा बन जाता है कि जिसको लगता है कि हर एक चीज कहने की जुमला होती है, उसके सबूत मांगने लगते हैं, और जब देश की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तब भी उनको जो है विश्वास नहीं होता, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे पार्टीज को लगातार जो है अविश्वास की स्थिति में ही बनी रहती है। और आज भी जो है इसी कारण से लोग आप देखेंगे तो बहुत सारे जो इन्होंने कहा ना कि जो है मस्करापन, जो इन्होंने एक शब्द यूज किया मस्करापन, तो मस्करापन का यदि आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पे मस्करापन किस तरीके का होता है वो आप खुद देखते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि स्टेट की सरकार में चाहे कोई सी सरकार रही हो, ये शब्द जो है मस्करापन वाले शब्द यूज नहीं होते। लेकिन आपने इन्होंने कहा कि क्या हुआ भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी सरकार 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? ये शब्द इस्तेमाल होते हो, शर्म नहीं होती किस तरह की बातें कर रही महिलाओं के लिए? सुजाता जी सुन जाइए। मैं कह रहा हूँ कि जो है लोग बिहार को कहा करते थे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, आज बिहार में अपराध नहीं है, राजस्थान 2 साल से नंबर 1 पर अपराध में है, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो चाहे बच्चों के प्रति हो, 2 साल में पहले स्थान पर है। मैं कह रहा हूँ राष्ट्र की, हमारे पूरे राष्ट्र की जो है माताएं बहनें जो है समान अधिकार की पात्र है। हम कहीं ये नहीं कहते कि यह हमारी यहाँ की बहनें हैं, यहाँ के भाई हैं, हम कहते हैं इस राष्ट्र के जो भी लोग हैं वो हमारे बहन और भाई हैं। तो हमने फिर कहा, लेकिन ये जो आप कहते हैं कि हमारी बिहार की माताएं बहनें, मैं कह रहा हूँ बिहार में अपराध कम हुआ, लोग बिहार को जो है आपके टाइम में अपराध के नाम से जानते थे, आज राजस्थान जो सबसे शांति प्रिय था, अपराध में कहीं नहीं था, आज प्रथम स्थान पर आ रहा है। मुझे बताइए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, और ये किसके राज में आ रहा है? क्या वहां के आपका केंद्रीय नेतृत्व गया, उसने पूछा, उसने बोला कि हाँ क्यों हो रहे ये? हमने कहा कि हम इस स्वच्छ प्रशासन देंगे, हमने कहा कि ये जो वैक्सीन है, मैंने फिर आपको कहा आज भी वर्तमान सरकार में, आज भी आपकी सरकारें जो है जांचों के अंदर जिस तरीके से, मैंने कह रहा हूं भामाशाह योजना को बंद किया, अदर योजनाओं को बंद किया, हमने यही कहा कि ये जो चीजें हैं सरकार आती है, और आपके तो नेता कहा करते थे कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, आज 1 रुपया दे रहे हैं, 1 रुपया मिल रहा है ना, 1500 रुपए उनके खाते में भेजे, 1500 रुपए मिल गए ना, उसमें कोई परेशानी हुई क्या बताइए? आपको हो रही है क्या? आए के परेशान हो रहे हैं इतना लोगों को, यदि कोई अच्छी चीज मिल रही है दे रहे हैं तो। जोशी जी चलिए सर, सुजाता पॉल जी को छोड़ देते हैं, बिहार से 2 लोग और बैठे हुए हैं, तो वो दोनों लोग भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अपने वादों को पूरा नहीं करती है, उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा है। मैं ऐसे नहीं कि मैं आपको पर्सनली कह रहा हूं, लेकिन उन लोगों का भी आरोप यही है। तो आखिर वजह क्या है, लोग विश्वास क्यों नहीं कर पाते हैं बिहार में आप पर? देखिए मैं कह रहा हूं आपको, देखिए जनता का विश्वास तो वोट होता है, और वोट सरकार में देखा कि पिछली बार सरकार में किसको पर विश्वास किया था? इस गठबंधन पर सरकार विश्वास किया था ना लोगों ने? गठबंधन को सत्ता, गठबंधन में नीतीश कुमार जी आरजेडी के साथ लड़े थे। देखो नीतीश कुमार जी गए थे कि नहीं गए थे बताइए दिल्ली कि क्या हो रहा है, गए थे कि नहीं गए थे? नहीं याद करते उस टाइम को। और नीतीश कुमार जी ने कहा था ना, लेकिन दरबार बड़े नेता को जिसको मुख्यमंत्री है गठबंधन का वहां पर, उसके लिए दरवाजे बंद हो जाए तो आम जनता के लिए क्या दरवाजे खुलेंगे साहब? मुझे बताइए आप कैसे खुलेंगे? अच्छा मेरा एक सवाल मेरा अलग से है, बिहार की राजनीति पे बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो बहुत वरिष्ठ सहयोगी पार्टी है LJP, रामविलास पासवान स्वर्गीय हो गए हैं, वो नहीं रहे, अब चिराग पासवान भी इस गठबंधन से बिखरे बिखरे नजर आ रहे हैं, तो उनको भी कहीं अविश्वास की भावना नजर आ रही है इस गठबंधन में? देखिए मैं कह रहा हूँ चिराग पासवान जी ने क्या कहा कि हमें NDA पर पूरा विश्वास है, हमें जो है उस पर पूरा विश्वास है, और हमने जो कहा कि हम NDA को एकजुट रखने की कोशिश करेंगे, एकजुट हमने चिराग पासवान जी को सुना। चिराग पासवान जी के रास्ते बंद थोड़ी किए, चिराग पासवान जी ने थोड़ी कहा कि दिल्ली में मेरी बात नहीं हुई, या मुझे जो है प्रधानमंत्री जी मुझसे नहीं मिले, या जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब नहीं मिले बताइए, या शाह साहब नहीं मिले, जिनसे भी उनकी मुलाकात होनी थी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, और कोई भी चीज हमने छिपाई नहीं। अब जो चीजें बिल्कुल थी हमने साफ कहा कि ये चीजें होंगी, चुनाव में जीते तो ये मुख्यमंत्री होंगे, मुझे बताइए इतना साफ कहा कि नहीं कहा?
बिल्कुल जोशी जी, आपका संगठनिक जो सिस्टम है, मैनेजमेंट जो है, वो बिल्कुल आला दर्जे का है, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ मैं। भले ही मेरे साथ सुजाता पोल इस चीज़ से इत्तेफाक ना रखें, कांग्रेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपका संगठनिक स्तर, आप इन सब चीज़ों में माहिर हैं, आपका मैनेजमेंट कमाल का है, लेकिन फिर भी बयान अजीब बयान है। चिराग पासवान कहते हैं कि मुझे बीजेपी के साथ सरकार बनानी है, नीतीश को नहीं बनने देना है। आपने नीतीश को प्रोजेक्ट कर दिया है एज ए सीएम, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ, यदि आप देखें तो 1999 में वाजपेयी जी की सरकार जो है 27 दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई और 27 दलों के साथ सरकार बनकर चलाई और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो था उनपे हमने लगातार जो है काम किया और उनपे जो है पूरी सरकार चली। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि जो कोई बात आपसी होगी उसको हम बात करेंगे, कॉमन जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा उसके ऊपर काम करेंगे और जो भी हम कोई चीजें ऐसी उनके बीच में रही होगी तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि महागठबंधन में और एनडीए के रूप में जो है सबसे बड़े घटक दल के रूप में होने के कारण ये हमारा दायित्व होगा कि हम बैठ करके उनको समझा करके उनकी सभी बातों को सुन करके उसका निर्णय करें। बिल्कुल जोशी जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका मुकाबला किससे है, एलजेपी से या जी जी मैं कह रहा हूं आपका मुकाबला किससे है, आरजेडी से है या एलजेपी से है? मैं फिर कह रहा हूं आपको, एलजेपी से हमारा मुकाबला क्यों होगा अभी, क्योंकि जहां एलजेपी तो हमारे आपके पास से जो कैंडिडेट हैं वो सारे उनके टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपके यहाँ से जिनको आपने टिकट नहीं दिया उन्होंने सीधे एलजेपी से टिकट लिया और चुनाव लड़ने लगे। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आरजेडी की बी टीम के रूप में काम कर रही है एलजेपी, हालांकि आप शायद इत्तेफाक ना रखें और राजनीतिक मजबूरियां नहीं रख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका मुकाबला चुनाव में किससे है? नहीं देखिए, हमने कहा ना कि हमारा मुकाबला किससे है, ये हमारा मुकाबला तो हम तो जनता के सामने जो है अपनी चीजों को लेकर के जा रहे हैं। हमारे मुकाबले में हमको यहाँ कोई फाइट हुई, हम तो जनता को देखिए लोकतंत्र में जनता के साथ लेकर के जाना है और वही लेकर के जाने के बाद ये कोई युद्ध नहीं है, ये कोई हमारा वो नहीं है, हम तो अपनी चीजों को लेकर जा रहे हैं और जनता उसके ऊपर वोट देगी और उसे पता चलेगा कि हमारा मुकाबला किससे हुआ किससे नहीं था, ये तो बाद में पता चलेगा कि क्या चीज रही। बिल्कुल, पंकज जोशी जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, चीजों को बहुत आसानी से झेल जाते हैं। सुजाता जी मैं आपके पास बाद में आऊंगा, दोनों बिहार से लोग बैठे हैं और आप समझ ही रहे हैं कि मुझे उन्हें लेना पड़ेगा। हाँ अमरजीत जी, सुन पा रहे हैं? हाँ सर। आपकी क्या घोषणाएं हैं, क्या करने वाले हैं विधायक बनने के बाद? सबसे पहले विकास की होगा सर, चाहे कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टी वादे से मुकरते रहते हैं। अगर बीजेपी की सरकार अभी है, मोदी जी हैं सेंट्रल में, वो अपना वादे पूरे कर रहे हैं, उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार होगी तो वो भी अपना वादा पूरा करेंगे, उसका कुछ 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 खामियां निकालेगी। बिल्कुल। और उसके बाद जो ग्रामीण इलाके कोई वैक्सीन वगैरह तैयार कर रहे हैं बिहार के लिए? नो नो सर, वैक्सीन ये सब ढोंग है सर, ये सब पार्टी पॉलिटिक्स की चाल है सर, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों की चाल है सर, चाहे सेंट्रल में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस की सरकार, ये दोनों की चाल है। 10 साल ये राज करे, 10 साल वो राज करे, अच्छा, दोनों का ये दोनों पलना है। अमरजीत जी आप जनता में जा रहे होंगे तो क्या क्या लोगों का रुझान क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, किससे नाराज है, किससे खुश है? दोनों से खुश नहीं है सर, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से, दोनों वादे से कर रहे हैं। वोट कर रहे हैं? हाँ सर, कुछ प्लस पॉइंट है एलजेपी का सर। अच्छा, एलजेपी को भी वोट जा रहा है? प्लस पॉइंट चलेगा सर, लोग कहते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उसका खराब कर दिए, आज से लालू जी बने तो क्या किए, आज तेजस्वी के बारे में बोल रहे हैं तो तेजस्वी का 8वां पास है, उसको अगर सीएम बना दिया जाए तो कैसे वो देश को चलाएगा, कैसे बिहार को चलाएगा? बिहार बोलते हैं विशेष दर्जा दे रही है सर, बिहार का विशेष दर्जा, लेकिन कोई नेता लीडर कोई बिहार का दर्जा नहीं दे सकता है, बिहार को बिहारी नाम पे लोग, बिहारी लोग बिहारी के नाम पे लोग डरते हैं, लोग हर जगह बिहारी को तोहीन किया जाता है, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, हर जगह उसको नोचा जाता है, बेरोजगारी के मुद्दा लीजिए, हर जगह से नोचा जा रहा बिहारी को, देश विदेश स्टेट जितने भी स्टेट हैं भारत में 25-30, हर जगह बीजेपी जो है कांग्रेस दोनों लोग जो है ना बिहारी को बिहारी के नाम पर ठगा जा रहा है सर, ऐसा क्यों हो रहा है सर? तेजस्वी अच्छे मुख्यमंत्री साबित होंगे या नीतीश कुमार, दोनों में से किसे पसंद करते हैं आप? सर देखिए, ये जो है हमें चिराग पासवान जी हैं, अभी युवा नेता हैं, हमारे सीएम जो रह चुके हैं नीतीश जी, मिस्टर सीएम, वो उसे सपोर्ट ज्यादा करूंगा,
क्योंकि उसको अनुभव है, लोग भले वो जनता उसको सपोर्ट नहीं करे लेकिन सम्मान उसको दिया जाएगा। सबसे पहला है शराबबंदी जो किया है, सबसे हमें अच्छा लगा उसकी बात को, अच्छा नीतीश जी की बात। अब लोग बिहार में हमारी टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है, वो कह रहे हैं सिर्फ शराब के रेट बढ़े हैं, आसानी से मिल जाती थी, जो 300 रुपए की शराब थी वो 1000 में मिल जाती है, क्या जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत यह ही है सर कि कहने के बाद फिर भी ठेला जो मजदूर आदमी थे जितने भी जो कमाते थे, शराब तो लेनी नहीं पड़ रही है, कुछ के घर चूल्हे भी अभी अच्छे से चल रहा है, कट रहा है, भले उसमें शराब में इन्वॉल्व थे जितने भी मजदूरी थे कंपनी में जो काम करते थे शराब के ठीके में, उसमें तनी सा प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अभी जो खुशहाली हुआ। सवाल, आप विधायक बनते हैं तो आप ऐसी कौन सी मांग है सरकार से जो सबसे पहले करेंगे? मैं सरकार से यही मांग करूंगा अपने ग्रामीण इलाका को ज्यादा से ज्यादा विकास की दर्जा दूंगा। ओके, बहुत अच्छे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। त्रिभुवन जी, आपने सुना वो नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं तारीफ कर रहे हैं, आपको फिर भी कबूल नहीं कर रहे हैं, तो ये आप कहते हैं अंडर करंट चल रहा है, हम 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, लेकिन पंकज जोशी भी कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं है, हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और अभी अमरजीत जी भी कह रहे हैं कि तो कहां हैं आप, 200 से ज्यादा सीट कैसे आ रही है आपकी? कैसे आ रही है, 15 साल में जो नीतीश कुमार काम किया है, अभी शराब मिल रहा है, गरीब लोग जाता है ब्लॉक डीएम भेजा, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है या आवासीय बनाता है या इंदिरा आवास मिलता है, पहले कहता है कमीशन दो तब तुमको पैसा खा, इससे जनता मानस है, सभी जाति में आक्रोश, सभी जाति सभी धर्म में आक्रोश है कि नीतीश हटाओ का अभियान रहा है, नीतीश हटाओ अभियान, तेजस्वी अनु अभियान चल रहा है, और जनता कुछ सुनने के लिए नहीं, बिहार में अभी 20 विधायक जी जो जीते हैं जदयू या बीजेपी को, उनको क्षेत्र उतरने के लिए नहीं दे रहा है, जाइए औरंगाबाद, जाइए कल्याणपुर, वहां का बिहार सरकार का मंत्री है, मेयर उनको कल परसु दबारा है। त्रिभुवन जी, अभी चुनाव चल रहा है लेकिन अभी भी आपके नेता छोड़ छोड़ के बड़े बड़े नेता छोड़ रहे हैं आरजेडी को और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, आखिर क्या वजह है जब इतने लोकप्रिय हैं आप लोग? कहां जा रहे हैं, हमारा पार्टी A to Z है, हमारा पार्टी अभी बाबू लालू प्रसाद का देन है, बाबू तेजस्वी जी का देन है, जो हमारा पार्टी में A to Z सभी जाति सभी धर्म को एक जिसकी आदि वो भागीदारी जैसी आबादी वैसी भागीदारी दिया है। आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल, क्या चिराग पासवान से कोई अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की? देखिए चिराग जी ऐसे कल परसों भी सुने बयान भी दिए हैं कि हम कोई भी कीमत, उनको सिर्फ नीतीश कुमार से एनर्जी है कि कोई भी कीमत पर, क्योंकि नीतीश कुमार इतना गंदा काम किया है, अब सुने होंगे मुजफ्फरपुर बालगिरी जो कि 56 लड़की को जिसका माय बाप नहीं है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, उसके साथ में सामूहिक रेप फलना चिलना सब कुछ किया, उस मंत्री को नीतीश कुमार टिकट दिया है बिहार में बेगूसराय, हमारे जिला में जो बेगूसराय चेरिया पर यादपुर विधानसभा है वहां से उनको जनता उम्मीदवार बनाया है। हेलो त्रिभुवन जी, आप क्या बता रही है, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर जदयू से उनको टिकट दिया है, हम कह रहे हैं चुनाव के बाद, चुनाव के बाद आपको कहीं 10-12 सीटों की जरूरत पड़ गई और चिराग पासवान की 10-12 सीटें आ गई, तो क्या चिराग पासवान से समर्थन लेंगे? जरूर लेंगे, वो हमारा छोटा भाई है, उनसे जरूर समर्थन लेंगे, समर्थन नहीं कैसे लेंगे, चिराग भी हमारे आदमी है, सब लालू जी का प्रोजेक्ट है, लालू जी का देन है, जो आज नीतीश कुमार है अमरजीत जी, आप कुछ कह रहे थे, मैं फिर सुजाता पॉल जी के पास जाऊंगा, हम प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरजीत जी, आप क्या कह रहे थे?
हम ये कह रहे हैं सर, नीतीश पर कीचड़ उछाला जा रहा है। आज से लालू सरकार में शहाबुद्दीन जो सीवान जिले के थे वो दबंग नेता को क्यों टिकट दिए और उसके बाद अनंत सिंह को मोकामा से क्यों दिए, हम ये पूछना चाहते हैं बैठे हुए सवाल। अनंत सिंह मोकामा का भगवान है, बिहार का भगवान है, उधर सरकार को रोजी रोटी चला रहा है, शोषण कर रहा है। नीतीश कुमार एगो को रोजी रोटी नहीं चला रहा है, 10,000 परिवार को रोजी रोटी चला रहा है। आप दोनों लोगों की बात आ गई, कोई भी पार्टी बाहुबलियों को टिकट देने से पीछे नहीं हटती है। सुजाता पॉल जी, क्यों हटेगी? हम मिडिल पॉइंट वाले, हमको टिकट नहीं मिला। प्लीज प्लीज प्लीज, आप अब आपके सामने दो बहुत बड़े नेता हैं, इनसे आप सुनिए और सीखिए। सुजाता पॉल जी, जी जी सर, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, जैसे दोनों बिहार के नेता कह रहे हैं कि जमीन पर कहीं ना कहीं नीतीश का विरोध तो है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मोदी जी नैया फिर पार कराएंगे? देखिए, नैया पार कराएंगे ये इसका सबूत ऑलरेडी आ चुका है। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि आप देखिए, जब आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जब वे गए तो उनको किस तरह का व्यवहार देखना पड़ा, किस प्रकार से नीतीश कुमार जी के की जनसभाओं में लोग बिहेव कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। मगर दूसरी तरफ आप देखिए उन जन सैलाबों को जो उमड़ रही है भीड़ तेजस्वी यादव के जनसभा में। अब आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सचिवालय में आग लग गई, ये खबरें क्या हमसे छुपी हुई है? क्या हमें नहीं पता कि ये आग क्यों लगती है, कौन सी फाइल जलाई जा रही थी, इतनी जल्दी किस बात की थी? अब आप देखिए कि बिहार की जनता इस बात को नहीं भूलेगी कि किस प्रकार से जिस वक्त कोरोना की वजह से, बाढ़ की वजह से लोग मरने पर मतलब मजबूर हो रहे थे, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? वो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या इस बात को भूला जा सकता है? बिहार की जनता अगर भुखमरी और बेरोजगारी से परेशान थी तो आज क्योंकि चुनाव आ गए हैं तो आप उनको जो सपने दिखा रहे हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे। तो 15 सालों में आप नौकरियां नहीं दे सकते, आप आशा कार्यकर्त्रियों के ऊपर आप डंडे बरसवा देते हैं, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको उनका मानदेय नहीं देते हैं। आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से हमारे जो गरीब भाई थे किस प्रकार से अपने घर तक पहुंचे, ट्रेन के नीचे कोई कट रहा है, कोई भूखे प्यासे चला जा रहा है, वो नन्हे नन्हे बच्चों के नन्हे नन्हे पांव याद करिए जरा, किस तरह से वो कितनी मुश्किलों से अपने घरों तक पहुंची है। पता है आपको कि 12 लाख के करीब जो लड़कियां हैं उन्होंने तो कॉलेज जाना ही छोड़ दिया, स्कूल और कॉलेज वो जाती नहीं है क्योंकि वहां डर का माहौल है। हम यहाँ भले ही बैठे हैं लेकिन ये सारी बातें जो है हमें पता है कि वहां हो रही है, हम इससे अछूता नहीं रह सकते। अब आप ये भी देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने 1.25 लाख करोड़ का जो जुमला दिया था उस जुमले का क्या हुआ? क्या 1.25 लाख करोड़ का वो पैसा जो है वो बिहार को मिला? अब ये जो नए जुमले हैं ये केवल और केवल चुनावी जुमले हैं, मगर लोग जो हैं अब वो समझ गए हैं बिहार को जो बर्बाद करके इन्होंने जिस तरह से 1 किलो चना देकर पहले वोट की भीख मांगी थी, अब 1 कोरोना के इंजेक्शन है, वैक्सीन है, उसका झांसा दे रहे हैं। तो क्या ये सही है? युवाओं के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, उनको किसी प्रकार की नौकरी नहीं मिल रही है, आपने वो तस्वीरें देखी कोरोना काल में जो अस्पतालों में बुरे हाल हुए, ये व्यवस्थाएं क्या ठीक हुई? और एक बात, ये बात है कि हम कहते हैं कि बड़े जो होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, मगर आपका एक्सपीरियंस काम आया नीतीश कुमार प्रधानमंत्री जी का, जो वो एक्सपीरियंस लेकर आए मुख्यमंत्री होने के नाते गुजरात से, और उनके अंदर ऊर्जा वैसे भी नहीं है, और आज जो ऊर्जा की जरूरत है बिहार के राज्य को, वो ऊर्जा जो है वो यूथ से मिलेगा, वो नौजवानों से मिलेगा जो सचमुच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं। सुजाता जी जवाब लेते हैं, बिल्कुल आपने कई सवाल उठाए हैं। पंकज जी, क्या आपको लगता है चक्रव्यूह में फंस गई है एनडीए बिहार में? सुजाता पॉल जी ने कई सवाल उठाए जी। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं है, और सुजाता पॉल जी का एक जवाब दे रखा बहुत समझता हूँ। इन्होंने कहा कि जो है इसके रूप में भीख मांगना, यदि वोट को भीख कहती है और जनता के इस चीज को जो है अधिकार को यदि भीख कहती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों के सामने जाकर के जो है इस चीज को मांगती है और अपनी चीज को बताती है कि हाँ हम लोगों ने ये काम किया, इसके ऊपर आप वोट करें, है ना। तो आइए भाई, आप लोगों ने 55 साल में क्या किया भाई? आपने अधिकार देखिए 55 साल में वो किया कि आपको ये सब बोलने का अधिकार मिल गया,
ऐसा लोकतंत्र बनाया कि आप आराम से अपनी बात को रख सकते हैं और 55 साल करते हैं। सुजाता जी, बम्बई में आपकी सरकार थी, बम्बई नहीं आज बिहार की बात है, तो बिहार के बारे में बात करिए। बिहारियों के साथ क्या किया गया, उनमें किसके साथ है आप मुझे बताइए ना। अभी जो कोरोना काल में उनके साथ हुआ था उसके साथ करेंगे आप? लोगों की क्यों इकट्ठा किया था आपने, किस बात पे इकट्ठा किया था, वहां पर कैसे इकट्ठा किया था, लोगों ने पूरी दुनिया ने देखा उसको कि किस तरीके से आपने इकट्ठा करके क्या क्या हलचल मचाई थी आपने। मैं कहता हूँ मत खुलवाइए कि लोगों से, आप जो है इस लोकतंत्र की हितों की ध्यान रखिए, लोकतंत्र की बातों को ध्यान रखिए। आज 15 साल के अंदर आप देखे तो मुख्यमंत्री ये करते रहेंगे आप बताइए कि बाढ़ आई तो क्या किया आपने, वहां के लोगों ने क्या किया, पिछले 15 सालों में स्थिति क्यों नहीं ठीक कर पाए, क्यों क्यों आज आपको बार बार मुंबई के बारे में राजस्थान के बारे में बात करनी पड़ रही है। आप केवल सरकारों को गिरा सकते हैं, आप लोगों के लिए नहीं कर सकते काम, आप केवल टर्बाइन लगाकर ये बातें बता सकते हैं कि आप हवा में ऑक्सीजन निकालिए, हवा में से ऑक्सीजन के लोगों के लोगों को सांस लेने के अधिकार से वंचित करने वाले वाली पार्टी है। आपको बातें करते हैं, जुमले दिखाते जी, आपने 2017 में कह दिया ना जुमला था, और 19 में जनता ने उसका विश्वास दे दिया ना, ये मानते कि नहीं मानते। पंकज जी मेरा सवाल, छोटा सा एक सवाल और आखिरी सवाल है इस डिबेट का, वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, फिर भी क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार चुनौती बड़ी है, एंटी इनकम्बेंसी भी है और चिराग पासवान भी आप मतलब एनडीए से अलग हैं, तो आपको नहीं लगता है कि चुनौती बड़ी है, एक सवाल, और दूसरा क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार बेड़ा पार कराएंगे या मोदी की जरूरत पड़ेगी, संक्षेप में? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीटों पे थी तभी चुनौती थी, और आज यदि बहुमत की सरकार है तो भी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को चुनौती मान के चलती है, वो बहुत इजी किसी को नहीं मान के चलती, और उन चुनौतियों का सामना करना जो है भारतीय जनता पार्टी को आता है, भारतीय जनता पार्टी करती रहेगी, जनता का जो मत होगा उसको स्वीकार करेंगे। दूसरा आपने कहा कि नीतीश कुमार जी के थ्रू होंगे या मोदी जी के थ्रू होंगे, मोदी जी ने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, प्रत्येक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का इसमें योगदान होगा, और भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता होंगे जनता का जो योगदान होगा उसके बल पर जो है भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीतेगी, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, पंकज जी, सुजाता जी, आप दोनों लोगों ने और बिहार से मेरे दोनों साथियों ने बहुत अच्छी बात की, ग्राउंड रिपोर्टिंग पे भी बात की, ग्राउंड से जो हालात हैं उन पे भी बात की, हालांकि अपनी अपनी मजबूरी है और अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, उन्हें फॉलो करना होता है, हकीकत का पता बिल्कुल जनता जनार्दन है, वो बहुत जल्द लगने वाला है, चुनावी दहलीज पर खड़ा बिहार है, लेकिन फिर भी यही चीज़ है कि इन सब चीज़ों का, जैसे कोरोना वैक्सीन की बात है, इनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए, और इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार का चुनाव अब की बार बहुत कड़ा चुनाव, कड़ा मुकाबला है, वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें इतना आसान चुनाव किसी के लिए नहीं है, सबको लड़के जीतना होगा, किसी को वॉक ओवर मिलने नहीं जा रहा है। आप सब लोग आए, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।